गुरु की सेवा करना, मन आत्मोद्धार करना, गुरु की सेवा करना माने माँ बाप की सेवा करना। किसी भी चीज में अंधश्रद्धा होना यह अच्छी बात नहीं है, किंतु ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित किए हुए गुरु के वचनों में अंधश्रद्धा रखना यह मोक्ष का राजमार्ग है। आप कुछ ही समय में एक महान विद्वान बन सकते हैं, किंतु आसानी से सच्चे शिष्य नहीं बन सकते। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के पवित्र मुख से जो आज्ञाएं निकले उनका पालन करना। गुरु की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहो, गुरु की अथक सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करो। गुरु भाई पर प्रेम रखना यह गुरुदेव के प्रति प्रेम रखने के बराबर है। गुरु भाई को सहाय करना यह गुरुदेव की सेवा करने के बराबर है। स्वामी राम लिखते हैं अपनी जीवनी में कि जिस प्रकार लोग सांसारिक वस्तुओं का संग्रह किया करते हैं, उसी प्रकार एक समय मैं मंत्रों का संग्रह किया करता था। मेरी यह धारणा थी कि हो सकता है कि मंत्रों का खोज करते करते कोई एक ऐसा मंत्र मिल जाए जो मेरे पहले वाले सभी संग्रहित मंत्रों की अपेक्षा अधिक बलवान और शक्तिशाली हो। कभी कभी मैं अपने साथ के अन्य साधकों से अपनी तुलना किया करता और सोचता कि हो सकता है इसका मंत्र मेरे मंत्र से ज्यादा अच्छा हो। मेरी यह इच्छा रहती कि मैं ऐसा कोई मंत्र प्राप्त कर लूं जिसके माध्यम से मैं समाधि को प्राप्त कर लूं और अपने साथ के अन्य सभी साधकों से आगे बढ़ जाऊं। उस समय मैं बहुत अबोध था। उन दिनों उत्तर काशी से थोड़ी दूरी पर एक महात्मा पुरुष रहा करते थे। उन्हें एकांत बहुत प्रिय था। एक बार मैं उनसे मिलने गया। मेरे पहुंचने पर उन्होंने पूछा कि मेरे वहां आने का क्या कारण है। मैंने कहा, महाराज मैं आपसे मंत्र लेना चाहता हूं। तब स्वामी जी बोले, इसके लिए तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। वैसे मैं अपने गुरुदेव के साथ बचपन से ही रहा करता था। प्रतीक्षा करना मेरे लिए बहुत कठिन था। इस बात को गुरुदेव अच्छी तरह जानते थे और संभवतः इसीलिए मेरे गुरुदेव ने मुझे इन महात्मा पुरुष के पास भेजा भी था। मैंने उन संत से कहा, स्वामी जी मैं जल्दी में हूं। वे बोले, अच्छा तो अगले साल आ जाना। फिर मैंने पूछा, यदि मैं रुक जाऊं तो मुझे कितने दिन प्रतीक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक मैं चाहूं तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मैंने धैर्यपूर्वक 3 दिनों तक प्रतीक्षा की, किंतु स्वामी जी ने मंत्र नहीं दिया। चौथे दिन वे बोले, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं, किंतु वचन दो कि तुम प्रतिक्षण इसका जप करोगे। मैंने स्वीकार किया। स्वामी जी बोले, अच्छा चलो गंगा जी के तट पर चलते हैं। प्राचीन काल से ही गंगा जी के पवित्र तट पर ऋषियों ने तपस्या की, वहीं पर मेरी भी दीक्षा हुई थी। यह बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं स्वामी जी के साथ चलकर गंगा जी के तट पर जा खड़ा हुआ और बोला,
स्वामी जी मैं वचन देता हूँ कि मैं इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलूंगा। स्वामी जी ने मुझे त्रिवाचा भराई, अर्थात स्वामी जी ने मुझे इस वाक्य को 3 बार दोहराने के लिए कहा। मेरी बात 3 बार सुनने के बाद स्वामी जी गंभीर मुद्रा में आ गए और बोले, चाहे तुम जहां कहीं भी रहो प्रसन्न रहो, यही मंत्र है। जीवन के किसी भी परिस्थिति में सदैव प्रसन्न रहो। यदि तुम नरक में भी रहो तो वहां भी अपनी प्रसन्नता द्वारा स्वर्ग की रचना कर दो। मेरे बेटे, याद रखो, प्रसन्नता तुम्हारी अपनी निजी सृष्टि है। यह केवल मानव प्रयास की अपेक्षा रखती है। आत्म प्रसन्नता की सृष्टि तो तुम्हें स्वयं ही करनी होगी। मेरे इस मंत्र का तुम सदा ध्यान रखना। स्वामी जी की बात सुनकर मैं प्रसन्न भी हुआ और दुखी भी, क्योंकि मैं आशा लगाए बैठा था कि स्वामी जी मुझे कोई शब्दात्मक मंत्र देंगे जिसका मैं उच्चारण, पुरस्चरण और अनुष्ठान करके सिद्धियों को प्राप्त करूंगा। किंतु वह संत महापुरुष बहुत ही व्यवहारिक थे। मैंने इस मंत्र का अपने जीवन में सदा ही प्रयोग किया और मैं सदा ही सफल रहा। धन्य है ऐसे सद्गुरु, ऐसे महापुरुष जो साधकों को हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति से गुजार के उसे समता और निर्लेपता का पाठ पढ़ाते हैं। पूज्य श्री कहते हैं, सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। कभी कभी जब एकांत में गुरु की उदारता का, उनकी सूक्ष्म दृष्टि का, उनकी दी हुई सूक्ष्म कुंजियों का स्मरण होता है तो हृदय कह उठता है कि हे गुरुदेव, ईश्वर ने तो हमें संसार में भेजा काम क्रोध सहित, लेकिन आपने निष्कामी बनाया और क्रोध से छुड़ाया। ईश्वर ने तो कर्मों के बंधन में भेजा, परंतु हे गुरुदेव, आपने उन कर्म बंधनों को काट दिया। प्रकृति ने तो बंधन बनाए, लेकिन हे गुरुजी, आपने हमारे लिए मोक्ष बनाया। संसार ने तो चिंताएं दी, लेकिन आपने हमें आनंद दिया। कुटुंबी संबंधियों ने हमारे लिए जिम्मेदारियां बनाई, परंतु हे गुरुदेव, आपने हमें सारी जिम्मेदारियों से पार कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिति दिला दी। हे मेरे गुरुदेव, प्रकृति ने जन्म मरण बनाया, परंतु आपने तो मोक्ष बना के हमारा कल्याण ही कर दिया। हजारों हजारों जन्मों में माता पिता हमें जो चीज न दे पाए, लाखों लाखों मित्र हमें जो चीज न दे पाए, करोड़ों करोड़ों जन्मों के परिश्रम से जो चीज हमें न मिल पाई, हे गुरु जी, आपके सानिध्य से, मानसिक सुमिरन और वार्तालाप से और बौद्धिक प्रेरणा से वह चीज हमें मिली है। अब हमें इंद्र का पद भी छोटा लगता है। हे गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। आप जहां भी, जिस रूप में भी, हमारा जैसा भी उपयोग करना चाहें, ये तन मन बुद्धि आपके हवाले है। फिर से आपके चरणों में हजारों प्रणाम हो।